महाराष्ट्र के नासिक जिले में इन दिनों ठगी के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर बाहरी इलाकों से आए लोग आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त हैं। तथा कथित नटवरलालों की नजर ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों पर रहती है, जिनसे ये नटवरलाल बड़ी आसानी से बैंकों के ATM कार्ड की अदला बदली कर लेते हैं और फिर उनकी बिना जानकारी में ये उनके खाते से रुपए निकाल लेते हैं, जिसके बाद पीड़ित नागरिकों के सामने लकीर पीटने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसी कड़ी में नासिक के उपनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक वरिष्ठ नागरिक रुपए निकालने के मकसद से बैंक के ATM सेंटर पहुंचे, जहां पैसे निकालते समय दो अज्ञात लोगों ने उनका ATM पिन नंबर देख लिया और अनजाने में उनका ATM कार्ड भी बदल दिया। यही नहीं, कुछ समय में वरिष्ठ नागरिक की बिना जानकारी में ही उनके बैंक खाते से 32,000 रुपए निकाल लिए गए। वरिष्ठ नागरिक के मोबाइल पर जब 32,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकाले जाने का SMS आया तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करें। आखिरकार नासिक के उपनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक के उपनगर पुलिस स्टेशन के PSI अमोल तिलेकर, नासिर शेख और जयंत शिंदे की टीम ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क और CCTV फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को महाराष्ट्र के धुलिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी धुलिया पुलिस ने नासिक के उपनगर पुलिस की मदद की, जिसके बाद यह गिरफ्तारी संभव हो पाई। फिलहाल पूछताछ के दौरान इन ठगबाजों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस इनसे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन्होंने किन किन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दोनों नटवरलाल 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। नासिक शहर उपनगर पुलिस स्टेशन में शंकर आगलावे करके एक फिरियादी है, वो 29 सितंबर को बैंक में ATM में गए थे पैसा निकालने के लिए, और उस समय एक आदमी ने उनको हेल्प करने के इरादे से उनका ATM बदल दिया था, और वो जो आदमी था उसने अपने सहकारी के जरिए ATM का पासवर्ड भी देख लिया था और उससे 32,000 रुपये दूसरे ATM में जाके निकाल लिए थे। इसके बारे में उपनगर पुलिस स्टेशन में 182/21 एक फ्रॉड का गुनाह हमने दाखिल किया था। इसमें मालूमात मिलने से धुलिया में दो हरियाणा के आदमी इसी तरह का काम करते हैं और धुलिया में रहते हैं, ये मालूमात मिलने की वजह से हमारी टीम वहाँ जाके दो लोगों को जो हरियाणा से रिलेटेड है उनको अरेस्ट किया है, और फिरियादी ने दोनों को पहचान कर ली है।